पड़ोसी देश पाकिस्तान में लाखों की संख्या में तहरीके लब्बैक यानी कि टीएलपी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को संगठन के चीफ साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक हिंसक हो गए। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 340 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बुधवार को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरवादी राजनीतिक संगठन टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने बताया कि संगठन को टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब सरकार द्वारा टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए भेजे गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। इस्लामिस्ट राजनीतिक संगठन इश्निंदा के कथित कृत्यों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। कट्टरवादी संगठन फ्रांस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा है। संगठन ने पाकिस्तान सरकार से फ्रांसीसी राजदूत को देश से बाहर करने की मांग की थी। संगठन का आरोप है कि सरकार ने इसका वादा भी किया था। बरेलवी राजनीतिक संगठन के चीफ साद रिजवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान सरकार को 20 अप्रैल तक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही पुलिस ने लाहौर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिजवी को एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि रिजवी के समर्थकों ने पुलिस कांस्टेबल को अगवा कर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री ने बताया कि गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल रिजवी के 1400 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर टीएलपी समर्थकों के हिंसा की कई तस्वीरें साझा की जा रही है। संगठन को प्रतिबंधित किए जाने का डिप्टी चीफ सईद हसन ने बयान जारी कर विरोध किया और आरोप लगाया है कि सरकार ने रिजवी को गिरफ्तार करके फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के समझौते का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने 1.5 दर्जन प्रदर्शनकारी के मारे जाने का दावा किया। फ्रांसीसियों के सरकारी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, जिस पर तहरीके लब्बैक मैदान अमल में आई और अब 20 अप्रैल को उस वादे का वक्त आ रहा था और उस वादे को तोड़ने के लिए, बदअदी करने के लिए, ऐश छिकने के लिए तुमने तहरीके लब्बैक यासुल्लाह के मरती अमीर को गिरफ्तार कर लिया, बर्बरियत की एक दास्तान शुरू कर दी और अब तक हजारों लोगों को आपने जेलों में डाल दिया, हजारों लोगों को जख्मी कर दिया है और 1.5 दर्जन से ज्यादा तुम लाशें गिरा चुके हो। बुधवार को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई भी की, जिसमें 2 प्रदर्शनकारी के मारे जाने की खबर है। पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार रात को पंजाब के पूर्वी पाकिस्तानी प्रांत में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है। टीएलपी या तहरीके लब्बैक एक कट्टरवादी बरेलवी राजनीतिक संगठन है, जिसकी शुरुआत साद हुसैन रिजवी के पिता खादिम हुसैन रिजवी ने अगस्त 2015 में की थी। खादिम हुसैन रिजवी का हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद साद हुसैन रिजवी को पार्टी का चीफ बनाया गया था। पाकिस्तान में पार्टी के लाखों समर्थक हैं। पिछले आम चुनाव में पार्टी को 25 लाख वोट मिले थे। कट्टरवादी संगठन पहली बार साल 2017 में तब चर्चा में आया जब इस्लामाबाद के पास फैजाबाद इंटरचेंज में कानून मंत्री को हटाए जाने की मांग पर 3 सप्ताह तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। बाद में तत्कालीन सरकार को अपने कानून मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ था। टीएलपी को देश के इश्निंदा कानून में किसी भी बदलाव के जवाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। 2018 में पुलिस ने कई टीएलपी सदस्यों को गिरफ्तार किया और पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइटों को बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।